अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, 10th क्लास के। सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट पड़ा है 10.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के लिए बेटा हम क्या यूज करते होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते होते हैं पी। पी इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा है एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा और इसकी इमेज क्यू बन रही है कितनी, 5.0 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर, दूसरे नंबर पे बिहाइंड द मिरर है। एक बात बेटा आपने याद रखनी है हमेशा, कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा वो पॉजिटिव। कनकेव मिरर के लिए क्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और कन्वेक्स मिरर के लिए क्यू हमेशा क्या होता है, क्यू नेगेटिव होता है। कनकेव में जो इमेज बनता है वो रियल होता है इसलिए वो पॉजिटिव, और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो नेगेटिव इमेज होता है इसलिए क्यू के साथ क्या लगाएंगे, क्यू के साथ माइनस। दूसरे नंबर पे उसने बता भी दिया कि बिहाइंड द मिरर, जब भी मिरर के पीछे कोई इमेज बनेगा तो वो नेगेटिव होगा, तो क्यू के साथ हमने क्या लगाना है, माइनस। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स के लिए क्यू की कीमत क्या होती है, माइनस होती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने क्या मालूम करनी है इसकी फोकल लेंथ। इंतहाई आसान है सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ इसी एक फार्मूले के जरिए सारे हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिया तो तकरीबन तकरीबन होने वाले। अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला पूरे चैप्टर के लिए एक, 1/f = 1/p + 1/q। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, f मालूम करना है। अब देखो p हमारे पास दिया है, p कितना दिया उसने, 10.0 सेंटीमीटर प्लस 1/q, q कितना दिया है, -5.0। अब देखिए 1/10.0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस माइनस 1/5। अब इनका एलसीएम लें, एलसीएम लें, ये 10 है और ये 5 है। एलसीएम लेने का तरीका 10 और 5 इधर, 2 5s are 10 और ये 5 वैसे का वैसे, 5 1s are 5 5s are 5, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, एलसीएम कितना आता है, 10। सिंपली आप दूर से पता चल रहा है इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, ऊपर 1, 5 2s are 10, 2 1s are 2, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल 1 और 5 2s are 10, ऊपर 2 आ गया, 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये -1/10। इधर क्या आ रहा है, 1/f, इधर क्या ले, 1/f, 1/f, इधर भी लिख देते हैं 1/f। अब बेटा मालूम क्या करना है, हमने f मालूम करना है, क्या मालूम करना है सर, 1/f, यहाँ पे क्या दिया है, 1/f, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टा देंगे। अब इसको उल्टा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी उल्ट जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, f/1 और ये क्या हो जाएगा, 10/1। इसको सिंपली लिख सकते हैं f = -10। फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कैसा यूनिट, सेंटीमीटर। इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर और इसका भी सेंटीमीटर। इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसा यूनिट की तो फिक्र नहीं, ये नीचे वाले 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, 12.2 न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट 30.0 सेंटीमीटर टॉल। एक ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट की हाइट, सबसे पहले हमने देखना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, पी। वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है और P इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर और वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, यानी कि एक कनकेव मिरर है उसके सामने इतने 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। समय लागे सर, इसको रीड आउट करो। अब आगे चलते हैं, आगे वो कहता है फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? हमने क्या मालूम करना है? क्यू। क्या मालूम करना है? क्यू मालूम करना है। हाउ हाई इज इट? दूसरे नंबर पे हाइट, इसकी इमेज की हाइट। दो चीजें हमारे पास, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, इमेज मालूम करनी है और इमेज की हाइट मालूम करनी है। कोई मुश्किल नहीं, वही फार्मूला मैंने आपको बताया। एक फार्मूला करोगे पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल समझो हल हो गए। 1/F=1/P+1/Q की जगह पे अब देखो F दिया है, क्यू मालूम करना है। तो देखे 1/F P उधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर क्या बन जाएगा? 1/Q। F की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करेंगे? 16। और P की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करेंगे? 10.5 है, पॉइंट खत्म करें तो नीचे कितना आ जाता है? 10। पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 1 के बाद 1 × 1 = 0। अब एक बात हमने याद रखनी है कि बटे का बटा हमेशा क्या होता है? बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, बटे का बटा ऊपर चला जाता है। एक ये बटा है, दूसरा ये बटा है, बटे का बटा हमेशा ऊपर। तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10/105। इस पॉइंट की समझ तो नहीं लगी? आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब ये देखें 1/16 - 10/105। बेटा शुक्ला करता हूँ, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बटे का बटा है, बटा ऊपर चला जाएगा। अब देखिये अब हम इसको काटते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। 5 × 2 = 5, 2 = 10, 5 × 2 = 2। अब देखो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है सर। ये कितना आ गया? 1/16 - 2/21 = 1/Q। लाइन लगाओ दरमियान में पी बी 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 बी। ये तो बिल्कुल ही टेढ़ी है सर, खुद ही लगाई है। नीचे क्या है? 1/16 - 2/21 = 1/Q। अब देखिए अब दो तरीके हैं इसके। एक तो आप इसको इस पर डिवाइड कर लो, इसको इस पर डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आए उसको माइनस करके आंसर। दूसरा तरीका है इसको इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। वो एलसीएम लेना तो हमें पता ही है, हम आसान तरीका करते हैं। इसको हम इस पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर चेक करो, 0.0625। इसको इस पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, 0.0952। ये आ गया सर, यही आएगा बिल्कुल, चेक कर लो, चेक कर लो। अब इसमें से इस चीज को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आएगा -0.0327 = 1/Q. अब देखिए हमने तो Q मालूम करना है, इधर क्या आ गया? 1/Q, और जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। बेटा हमने Q मालूम करना है, 1/Q नहीं। फिर वही काम करेंगे जैसे पहले न्यूमेरिकल में किया, इसको भी उठा देंगे, ये भी उल्ट जाएगा, इसको कर देंगे Q/1, ये भी उल्ट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 0.0327, और इधर क्या बच जाएगा? माइनस। अब 1 को इस पे डिवाइड करो, 1 को इस पे डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -30.58 आ जाएगा, या 58 आ जाएगा। तो इस बुक पे आंसर 54 है, उससे फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद जितना मर्जी हो जाए। पॉइंट से पहले पहले चेक करना है, अगर एग्जैक्ट है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर्स इतने वैल्यूएबल नहीं होते। अब यहाँ पे देखें
सवाल जब हम पढ़ रहे थे तो मिरर कौन सा यूज कर रहे थे? मिरर तो हम यूज कर रहे थे बेटा कनकेव। मिरर क्या था? कनकेव। तो आपने बताया सर, आपने बताया सर कनकेव मिरर में क्यों क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया है नेगेटिव, तो ये तो कोई मसला नहीं खड़ा हो गया। नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है बेटा, बिकॉज बिकॉज we use because mirror is because mirror is concave, क्योंकि कनकेव मिरर है। we are ignore negative sign, we are ignore negative sign, we are ignore negative sign, negative s i g n। तो हम negative को क्या करेंगे यहाँ पे, ignore कर देंगे। q is equal to 30.54 लिख लें या 58 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, तो कोई मुश्किल तो नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं। दूसरे नंबर पे क्या मालूम करनी है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मालूम करने का इंतहाई आसान फार्मूला है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रही है, ये फार्मूला बेटा ये याद कर ले। इसका मतलब क्यू होता है, इसका मतलब पी। अब ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इस चीज को समझ लिया, बाकी ये तो पुराना ही कार है, ये थोड़ा सा नया है, सारे न्यूमेरिकल समझे हो गए। अब एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज मालूम करने इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। अब मसला ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास दी गई है, एम नहीं दिया। एम देखें, एम इज इक्वल टू ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज क्यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पी। अब क्यू ओवर पी तो हमारे पास दिए है, क्यू भी हमारे पास आ गया और पी हमारे पास पहले ही दिया हुआ है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं लाइन का और टिश्यू 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 टिश्यू। M इज इक्वल टू बेटा Q कितना दिया है? Q आया है हमारे पास 30.54 और P कितना दिया हुआ है? 10.5। इसको डिवाइड करेंगे M इज इक्वल टू 2.90। लो जी M आ गया, M की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, M की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2.90। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पहले दी गई है 30। हाइट ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है, हाइट ऑफ इमेज। अब 30 को 2.90 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे, इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बेटा 87.26। हाइट ऑफ इमेज है तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा? सेंटीमीटर। कोई फर्क तो नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं। और ये हमारे पास आ चुका है बेटा आंसर, आंसर आंसर नोट कर ले। एक हमारे पास ये आंसर आया है, दूसरे नंबर में हमारे पास एक ये आंसर आया है। हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर ली हमने, क्यू भी फाइंड कर लिया। 12.3 इंतहाई आसान, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी के हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सेम है। गौर से रीड आउट करते हैं, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं। येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो मिरर से ऑब्जेक्ट कितने फासले पर पड़ा है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं, फ्रॉम द मिरर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने क्या मालूम करनी है इसकी? फोकल लेंथ। हमने बेटा फोकल लेंथ मालूम करनी है, पी हमारे पास दिया है, क्यू उसने हमें नहीं दिया, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, ये उसने हमें बता दिया। यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतने ही इमेज की हाइट है, एम जितना पी है क्यू भी हमारे पास उतना ही होगा। पी 20 है तो क्यू भी कितना होगा? 20 ही होगा।
तो ये बात आपने बस इसमें रे रशीद करनी है और कोई बात नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, तो पी 20 है तो क्यू भी कितना होगा, क्यू भी 20 ही होगा। अब एफ कूलम करना है, फॉर्मूला बिल्कुल वही सर, 1/f = 1/p + 1/q। ये क्या कर दिया सर, 1/p, p की जगह पे कितनी वैल्यू 20 प्लस 1/q की जगह पे कितनी वैल्यू, क्यू भी 20। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना होता है बेटा 2, और इधर 1/f 2/20। ये देखो काटो 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 काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 नीचे कितना आ गया 10, 1/f = 1/10। अब ये 1/f है, हमने क्या मालूम करनी है इधर f, तो ये बटे ये इसको उल्टा देंगे तो ये भी उल्ट जाएगा, f = 10। फोकल लेंथ कैसे मिट जाता है, सेंटीमीटर। तो बेटा हो गया, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट मेरिकल करते हैं आगे, इसको नोट कर ले जल्दी से। तो अभी हम 12.4 स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है, मालूम करो, मालूम करो, लो जी काम करो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, एफ मालूम करो, दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर, जो कि इमेज कितने बनाता है, क्यू कितने बनाता है, 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर। जब भी बेटा मिरर के पीछे इमेज बने, बिहाइंड का लफ्ज आ जाए, बगैर सोचे समझे क्यू के साथ नेगेटिव लगा दो, तब क्यू नेगेटिव ही होगा। जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो क्यू नेगेटिव होगा, बगैर सोचे समझे नेगेटिव। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर, अब कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, p = 34.4 सेंटीमीटर। इंतहाई आसान, कोई मुश्किल नहीं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। 1/f फार्मूला वही, सेम फार्मूला पूरे चैप्टर के लिए, 1/f = 1/p + 1/q, क्यों सिर्फ वैल्यू पुट करो, p की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 34.4 प्लस क्यू की जगह पे कितनी पुट कर देंगे वैल्यू, -5.66। अब 1 को 34.4 पे डिवाइड करो, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.027। अब प्लस माइनस माइनस इसको इस पे डिवाइड करें तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.1766। इसमें से इसको माइनस करें कैलकुलेटर पे, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 0.1476, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1, जिसका कोई नहीं उसका एक अल्लाह। और इस साइड पे क्या आ रही है, 1/f। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड पे हमारे पास 1/f आ रहा है, इधर भी 1/f और इधर भी 1/f, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ और सिर्फ एफ मालूम करना है, 1/f नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, इसको उल्टा देते हैं, कल्टी बाजी मारे, कल्टी मारो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इधर भी कल्टी मारेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो इधर आएगा बेटा -20 साथ में, इसको इसमें से माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा -0.147, ये माइनस वैसे ही 0.1476। अब देखें, अब इसको 1 के ऊपर डिवाइड करें, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास -6.77। फोकल लेंथ है, ऐसा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया बेटा आंसर, जल्दी से नोट कर लें, मैं साइड पे होता हूँ, नोट कर लो। गरम अंडे, सर्दी बड़ी है, अंडे खाओ, साथ में न्यूमेरिकल्स नोट करो, स्क्रीन शूट ले लें, टाइम नहीं है, जल्दी करें। ले लिया सर, ले लिया, कोई मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल पे दे खुलिया अखियां। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने करना है 12.5। तो
बिना टाइम वेस्ट के हम रीड आउट करते हैं। एन इमेज ऑफ अ स्टेट अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर। एन इमेज ऑफ अ स्टेट अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हमारे पास जो इमेज है क्यू, हमारे पास कितना दिया गया है, क्यू इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। बिहाइंड का लफ्ज उसने फिर यूज किया, तो मैंने अभी आपको बताया बिहाइंड का लफ्ज जब भी यूज करे तो बिना सोचे समझे क्यू के साथ क्या लगा दो, क्यू के साथ नेगेटिव लगा दो। बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी उसने हमें दिया है F is equal to with focal length 13.5 centimeter. Focal length कितनी है? 13.5 centimeter. 13. Find the distance from the state to the mirror. हमने क्या मालूम करना है? P मालूम करना है. P मालूम करना है. तो यहाँ पे इंतहाई आसान, कोई मुश्किल नहीं. एक बात बस आपने याद रखनी है कि जब भी Q नेगेटिव होगा तो F भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, F भी नेगेटिव। Q नेगेटिव होगा तो F भी नेगेटिव। मैं वादा करके लगा देता हूं Q जब भी नेगेटिव होगा तो F भी नेगेटिव। पीछे हमने न्यूमेरिकल किया, वहां पे Q नेगेटिव था, F का जवाब क्या आया था, F का जवाब नेगेटिव में आया। इसी तरह इसने भी बगैर सोचे समझे जो Q होगा वही F होगा। Q के साथ पॉजिटिव होगा, F के साथ भी पॉजिटिव। Q के साथ नेगेटिव तो F के साथ भी नेगेटिव। बगैर सोचे समझे लगा दो। फार्मूला वही सर, वही सर। 1/F = 1/P + 1/Q। क्या मालूम करना है? P मालूम करना है, तो 1/F। Q उधर नेगेटिव है, Q इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, Q इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू 1/P। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 1/F की जगह पे कितने वैल्यू पुट करेंगे, -13.5, दरमियान में माइनस। Q की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, -11.5 इक्वल टू 1/P। अब सिर्फ कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर का काम है, इसको इस पर डिवाइड करते हैं। इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका आसान है, इसको इस पर डिवाइड करो, इसको इस पर डिवाइड करो। तो हम डिवाइड करते हैं 1/13.5, तो ये कितना आता है, ये आता है -0.074। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को डिवाइड करते हैं 11.5 के साथ, तो ये होता है हमारे पास 0.0866 = 1/P। अब इन दोनों को, ये माइनस का है ये प्लस का है, इनका आपस में करते हैं तो 0.074 ये आ जाएगा हमारे पास। बेटा क्या आ जाएगा, 0.0129। यहां तक लिख लें, आगे 5 लिखना है तो 5 लिख लें, इक्वल टू 1/P। अब वही बात, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। हमने पी मालूम करना है, 1/P मालूम है नहीं करना, इसको भी कल्टी दो, कल्टी मारो बेटा, कल्टी मारो। P/1 = ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कल्टी मारेगा 0.01295। इसको भी उल्टा देंगे, इसको उल्टाया तो इसको भी उल्टाएंगे, इसको 1 पे डिवाइड करो, 1/आंसर। तो ये कितना आ गया सर, 77.18। तीनों का ऐसा यूनिट भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर। तो P = 77.18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। लो जी बेटा नोट कर लो, ना कर मोहताज किसी का जमाने में, कमी कौन सी है यार अब तेरे खजाने में। सुखियां रोटियां तो लो, लोहे तो लो, लैन तो लो, आलू छोले लो, आलू छोले। वैसे सर्दी है, गर्म अंडे डाल देते हैं। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.6, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.6।
6 इंतहाई आसान, बगैर टाइम वेस्ट किए हम नोट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, इसी तरह जैसे पीछे वाले आसान है। एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कनकेव मिरर के साथ इमेज बन रहा है, फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 8.70 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज बोर्ड मार्कर चेंज, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। 13.2 सेंटीमीटर कितना लंबा है? एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पी हमारे पास पी कितना दिया गया है? 19.3 सेंटीमीटर। पी इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। सबसे पहले ए पार्ट है, ए पार्ट में वो क्या कह रहा है? फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। सबसे पहले लोकेशन बिलोंग करनी है, लोकेशन मतलब क्यों बिलोंग करना है। दूसरे नंबर पे हाइट ऑफ द इमेज, दूसरे नंबर पे क्या बिलोंग करनी है? हाइट ऑफ द इमेज। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। ये हम नेक्स्ट करते हैं, पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लें उसके बाद बी पार्ट की तरफ आते हैं। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्यों बिलोंग करना है, दूसरे नंबर पे क्या बिलोंग करना है? हाइट ऑफ इमेज। तो क्यों बिलोंग करने के लिए वही फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। अब देखो अब हमने क्यों बिलोंग करना है, तो ये देखो 1/f = ये पी इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू 1/q। कनकेव मिरर यूज हो रहा है, कनकेव के लिए f पॉजिटिव ही होता है। f की जगह पे f की वैल्यू 8.70 -1/p की जगह पे, p की जगह पे 19.3 इज इक्वल टू 1/q। अब कैलकुलेटर का काम है 1 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 8.70 कितना आया सर? ये तो आया है हमारे पास 0.1149। इतना लिख लेते हैं बस, माइनस दरमियान है, 1 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करते हैं 19.3 के साथ, ये आ जाएगा 0.0518। यहां तक लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/q। अब इन दोनों का माइनस करते हैं, 0.1149 -0.0518, तो ये आया हमारे पास 0.0631 इक्वल टू 1/q। जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। हमें 1/q नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्यू। इसको उल्टा देंगे ये क्या हो जाएगा? q/1 = 1/ ये भी उल्ट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0.0631। ये करेंगे 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो कितना आ गया हमारे पास q = 15.847 या फिर 85 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद का कोई फर्क नहीं, ऐसा यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ चुका है बेटा आंसर q का आंसर। ये आया है q का आंसर, किताब से चेक करते हैं ठीक भी है या नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है? हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हमने पढ़ा हुआ है m = हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है लेकिन एम भी हमारे पास नहीं, एक और मसला खड़ा हो गया, एम भी नहीं है। तो देखो ये हाइट ऑफ इमेज क्या होती है? ये क्यू होता है,
और नीचे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पी होता है। यानी कि इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, कोई फर्क तो नहीं, कोई फर्क नहीं, एम इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब देखो क्यू भी हमारे पास आ गया है, पी हमारे पास पहले ही दिया है, हम यहां से एम निकाल लेंगे, एम इज इक्वल टू क्यू कितना आया है हमारे पास 15.84, और नीचे पी कितना दिया गया हमारे पास, पी दिया गया हमें 19.3। अब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम, इसको डिवाइड करते हैं 15.84 डिवाइडेड बाय 19.3, तो ये आ गया हमारे पास 0.82। कितना आ गया 0.82 या 0.9 भी कह सकते हैं, 0.82 बस, ठीक है। अब देखें m की जगह पे m की वैल्यू पुट करेंगे, m कितना आ गया 0.82 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है मल्टीप्लाई 13.2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दरमियान में लाइन लगा लो, कंफ्यूज नहीं होना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं कितना आता है, कितना आता है ये मल्टीप्लाई भाई 13.2, ये हमारे पास आया है बेटा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10.83, ये हमारे पास आ गया है दूसरा आंसर। हाइट ऑफ इमेज का भी आंसर आ चुका है, हाइट ऑफ इमेज का भी आंसर आ चुका है, ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब जाते हैं बी पार्ट की तरफ, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं बी पार्ट को क्या कहते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। दूसरे नंबर पे फिर दोबारा क्या मालूम करना है, डी पार्ट, इधर नोट कर लो डी पार्ट, दूसरा हिस्सा सवाल का दूसरा हिस्सा, दोबारा क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, दोबारा से मालूम करो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज मालूम करो, प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट दो गुना डिस्टेंस पर पड़ो, यानी कि P इज इक्वल टू कितना हो 2P, P इज इक्वल टू कितना हो 2P हो, ऑब्जेक्ट डबल डिस्टेंस पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट डबल डिस्टेंस पर पड़ा है तो P की जगह पे हम 2P पुट कर देंगे, हाइट ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है। अभी हमने बात की कि M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज क्या होती है Q, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है P, यानी कि अब इसी फार्मूले के जरिए हम निकाल लेंगे क्वेश्चंस को, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू Q, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू P। अब देखो फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय, इस बराबर को हटाओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q वैसे का वैसे ही, P की जगह पे कितना दिया उसने हमें, P की जगह पे उसने हमें दे दिया 2P, हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है तो ये अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू ओवर 2P, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 15.84, नीचे 2, और P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, P की वैल्यू आई है 19.3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले ही दी गई है, कितनी दी गई है 13.2। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, ये आपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना है, कैलकुलेटर पे करके देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5.42, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें नीचे वाले के साथ
डिवाइड कर दें, नीचे वाले के साथ डिवाइड कर दें। ये हमारे पास आ गया इसका तीसरा आंसर। कोई मुश्किल नहीं, ये स्टेप मैंने कैसे किया इसको दोबारा रिपीट करें। हाइट ऑफ इमेज वी पार्ट में कहता है दोबारा मालूम करें, जबकि पी इज इक्वल टू टू पी, डबल डिस्टेंस पर पड़ा है तो इसका मतलब पी इज इक्वल टू टू पी। हमने फॉर्मूला एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है क्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है पी। अब हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं, एम को ना भी लिखें तो खैर है, क्योंकि जब तीन वैल्यू है इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं, एम को भूल जाओ। अब देखो हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, सिंपली वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट की तो 5.42 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो हाइट है इसके साथ भी क्या आता है सेंटीमीटर, सबके साथ सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर। तो नोट कर ले बेटा 6 न्यूमेरिकल हो गए, 12.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले रीड आउट करते हैं, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। नबीला मेकअप करते हुए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करती है। नबीला शादियों वाला आटा लगाते हुए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करती है। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटीमीटर। उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना दिया, यानी कि आर कितना दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहले हमने क्या मालूम करनी है, उसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बी में कहता है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला मिरर से कितने फासले पर खड़ी है, 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है नबीला, ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम पी यूज करते हैं, तो पी इज इक्वल टू कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसकी इमेज कहां पे बनेगी, इमेज के लिए क्या यूज करते हैं क्यू, तो दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है क्यू। सी कहते हैं विल द इमेज बी अपराइट आर इनवर्टेड, उसकी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, अपराइट बनेगी या उल्टी बनेगी, ये भी हमने बताना है, अपराइट आर इनवर्टेड। ये तीन चीजें मालूम करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ मालूम करना है, एफ मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एफ इज द फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू आर ओवर टू, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर कितना दिया हमारे पास बेटा आर 38 दिया है, और नीचे 238 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है 19 सेंटीमीटर, यानी कि एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ए जवाब हमारा आ भी चुका है, ये सारे न्यूमेरिकल ऐसे बहुत ही आसान, ये पहला आंसर। दूसरे नंबर पे क्या मालूम करना है क्यू, क्यू मालूम करने के लिए फार्मूला हमें पता है, वही फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं शुरू से, 1/f = 1/p + 1/q। क्यू मालूम करना है, पी इधर पॉजिटिव है दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, 1/f - 1/p = 1/q। अब क्या करते हैं सिंपल वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, एफ हमारे पास आ चुका है, एफ कितना आ चुका है वैल्यू पुट कर दो एफ की जगह पे 19, और पी की जगह पे पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, पी कितना दिया है 50 = 1/q। इसी को दोबारा इधर लिखते हैं 1/19 - 1/50 = 1/q। 1 को 19 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 0.05263, माइनस 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 = 1/q। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.03263 = 1/q। अब देखिए हमने मालूम करना है क्यू, 1/q तो नहीं मालूम करना, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे
वन, उल्टा देंगे इधर उल्टा देंगे ये हो जाएगा क्यू ओवर वन, तो ये साइड भी उल्ट जाएगी वन ओवर 0.03263। वन को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 30.64 और इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू है तो ऐसा यूनिट सेंटीमीटर, तीनों का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। तीसरे नंबर पे हमने क्या बताना है कि जो इमेज बनी है वो अपराइट बनी है या इन्वर्टेड, अपराइट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो याद रखना है आपने कान खोल के सुन लो भैया, कान खोल के सुन लो, जब भी क्यू पॉजिटिव होगा, क्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या बनेगा, इमेज बनेगी हमारी रियल, क्यू पॉजिटिव इसका मतलब इमेज रियल, और जब भी इमेज रियल बनती है, रियल बनती है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा क्या होती है इन्वर्टेड। तो बगैर सोचे समझे सी का आंसर यहां पे लिखो, सी का आंसर क्या लिखोगे यहां पे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनने की वजह क्या है कि जो क्यू का आंसर आया है, क्यू का आंसर आया है वो क्या आया हमारे पास, क्यू का आंसर रियल इमेज आया, क्यू का आंसर पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव का मतलब इमेज रियल, और जब भी इमेज रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी, और जब क्यू नेगेटिव होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो अपराइट होगी। इसको नोट कर ले जरा जल्दी से जल्दी से। 12.8 न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, यानी कि सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पर पड़ा है ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं पी, पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, किस लेंस से, कन्वेक्स लेंस से। अब लेंस की बात है, पहले जो 7 न्यूमेरिकल की है उसमें मिरर की बात थी, अब लेंस के लिए क्यू के जो अलामते हैं, क्यू मिरर के लिए वो और होती हैं, लेंस के लिए उनका उल्ट होती हैं। पहले मैंने आपको 12.5 में मिरर का जो टेबल है वो साइड पे नोट करवाया था, अब लेंस का उसके उसी के उल्ट है, जहां पे मिरर में क्यू पॉजिटिव होता है वहां पे लेंस में नेगेटिव होता है, जहां पे एफ नेगेटिव वहां पे होता था यहां पे आगे पॉजिटिव, तो साइड पे आपको टेबल नजर आ रहा होगा, उस टेबल को नोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। और देखें फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन यानी कि हमने क्या मालूम करना है क्यू, साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, तीसरे नंबर पे वो कहते हैं हमें उस इमेज की नेचर बताओ, उस इमेज की नेचर बताओ, तीसरे नंबर पे हमने मालूम करनी है उसकी नेचर, तो इंतहाई आसान कोई मुश्किल काम ही नहीं है, सबसे पहले क्यू मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, अब देखो क्यू मालूम करना है, पी उधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा जैसे पहले किया नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1 ओवर क्यू, एफ हमारे पास कितना है, एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी कितना हमारे पास दिया है, पी 12 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू, 1 को 8 पे डिवाइड करो, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए पहले डिवाइड कर लिया, तो ये आता है कैलकुलेटर पे 0.125 माइनस 1 को 12 पे डिवाइड करो तो ये आता है हमारे पास 0.833 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0417 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू, हमने तो क्यू मालूम करना है 1 ओवर क्यू, तो नहीं इसको भी उठा देंगे ये भी उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा q ओवर 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.0417, अब 1 को इस पे डिवाइड करेंगे, 1 को इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 23.98, अब इसको हम तकरीबन 24 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर 24,
तो सेंटीमीटर साथ लगा दो, ये हमारे पास क्या आ चुका है इसका आंसर, ये क्या आ चुका है इसका आंसर। दूसरे नंबर पे क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ इमेज, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है q, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है p। अब देखें इस m को भूल जाएंगे, पीछे पीछे वाले को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करो, Q कितना आ गया हमारे पास, Q आ गया 24, P कितना हमारे पास, P जितनी दिया हुआ हमारे पास 12, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितनी दी गई है 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी हुई है। अब देखो 4 1 4 4 3 12, 3 1 3 3 8 24, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास एक आंसर आया है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे हमने इस इमेज की नेचर बतानी है कि इमेज किस नेचर की है, तो यहां पे आप आसानी से बता सकते हो सी पॉइंट कि क्यू पॉजिटिव है, जब भी क्यू पॉजिटिव होगा, क्यू पॉजिटिव होगा तो जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमेशा रियल, इमेज क्या बनेगी हमेशा रियल, तो जब भी इमेज रियल बनेगी तो वो क्या होगी, वो उल्टी ही होगी, वो इन्वर्टेड ही होगी, इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। तीसरा नंबर पे साइज चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट कितना था 12, ऑब्जेक्ट कितना था 12, और जो इमेज बनी वो 24, यानी कि इमेज बड़ी बनी, बड़ी बनी मैग्नीफाइड, तीसरे नंबर पे क्या बनी है मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनी है, ये तीन इसकी नेचर में आ गए, तो ये नोट कर लें जल्दी से, जल्दी करें, या नीचे लिंक दे दिया वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट भी ले सकते थे, बाहर कुत्ती का पुत्र भौंक रहा है, ओए कुत्ती का पुत्र, मैंने गाली नहीं निकाली, ये ना सोचिएगा सर गालियां निकाल है, वो वाकई ही कुत्ता भौंक रहा है तो वो कुत्ती का पुत्र ही होता है, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 12.9, कुत्ता कुत्ती का पुत्र ही होता है। 12.9 एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, वो कितने डिस्टेंस पर पड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए पी, पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर पे पड़ा है फ्रॉम अ कनकेव लेंस, अब कनकेव लेंस की बात कर रहा है, किस लेंस की, कनकेव लेंस की, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास कितने दिया है एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन मालूम करनी है, क्यू मालूम करना है, और साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। तीसरे नंबर पे आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, तीसरे नंबर पे क्या मालूम करना है नेचर ऑफ द इमेज, वही तीनों चीजें जो हमने पीछे निकाली, तो इंतहाई आसान तरीका भी वही सेम, आप खुद भी कर सकते हैं, क्यू 1/f = 1/p + 1/q, ये थोड़ा स्पीडली करेंगे क्योंकि दोनों में किया पहले, अब देखें 1/f, ये p उधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 1/q। हमने कौन सी इस बात की, कनकेव लेंथ की, इस न्यूमेरिकल में किसकी बात हो रही है कनकेव लेंथ की, तो कनकेव लेंथ के लिए f नेगेटिव होता है, कनकेव लेंथ के लिए f क्या होता है हमेशा नेगेटिव, f नेगेटिव तो q भी क्या होगा नेगेटिव, जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव, देख लेते हैं, कनकेव लेंथ के लिए f होता है नेगेटिव, साइड में टेबल दे दिया उस टेबल को आप नोट कर सकते हो। अब देखो f की जगह पे वैल्यू कितने पुट करेंगे -15, +15 नहीं पुट करेंगे माइनस, क्योंकि कनकेव लेंस के लिए, कनकेव मिरर के लिए f पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस के लिए f नेगेटिव होता है, -1/p की जगह पे कितना पुट कर देंगे 20 इक्वल टू 1/q, अब 1 को -15 पे डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाता है -0.00667,
और 1 को 20 पे डिवाइड करो तो ये आता है 0.05 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये कैलकुलेटर पे आता है -0.1167 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। हमने क्यू मालूम करना है, 1 ओवर क्यू नहीं, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। इसको भी उल्टा तो ये भी उल्ट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू, ये उल्ट गया, इसको भी उल्टा आता है माइनस, वैसे ही 1 ओवर 0.1167। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा -8.56 इज इक्वल टू, क्यू है तो क्यू के साथ क्या लगाते हैं सेंटीमीटर, क्यू हो पी हो एफ हो तीनों के लिए सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था ना एफ नेगेटिव है तो क्यू भी क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आया है नेगेटिव ही आया है, तो कोई टेंशन नहीं। तीसरे नंबर में हमने बतानी है इसकी नेचर, सी क्या बताना है इसकी नेचर। अब देखो क्यू नेगेटिव आया है, जब भी क्यू नेगेटिव होगा तो इमेज कौन सी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल, इमेज कौन सी बनेगी वर्चुअल। जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो मैंने आपको बताया कि इमेज क्या होगी अपराइट होगी, इमेज क्या होगी सीधी होगी, वर्चुअल होगी तो इमेज क्या होगी अपराइट या फिर इरेक्ट, अपराइट या फिर इरेक्ट। अब तीसरे नंबर पे इसके साइज की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे इसके साइज की, जो ऑब्जेक्ट था वो 20 था और जो इमेज बनी वो कितनी बनी 8, यानी कि ये बड़ा था ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी वो छोटी बनी, उसके लिए हम जवाब लगाते हैं डी मिनिस्ट यानी कि छोटी इमेज। तो ये नेचर हो गई, ये हमारा सारा पहला हो गया, जल्दी से नोट कर ले बेटा। अभी हम 12.10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसके साथ लिख ले इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले क्योंकि ये पेपर में अक्सर आया हुआ है। सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, जो कि वर्चुअल इमेज बनाता है 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है 3 times। ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है हम पी यूज करते हैं और इमेज के लिए हम क्यू यूज करते हैं, तो यहां पे वो कह रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना है, क्यू इज इक्वल टू यानी कि क्या है क्यू इज इक्वल टू 3p, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है यानी कि क्यू इज इक्वल टू 3p, और जो इमेज बनती है वो क्या बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, तो क्यू के साथ क्या पुट करेंगे क्यू के साथ नेगेटिव, वर्चुअल इमेज होगी तो नेगेटिव, रियल इमेज होगी तो पॉजिटिव। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस को कहां पर रखा गया, हमने पी मालूम करना है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, तो इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला सारे चैप्टर के लिए सेम जो हम टीचर पढ़ते आ रहे हैं, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, q किसके इक्वल है q इज इक्वल टू है -3p। अब देखें 1 ओवर p प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1 ओवर प्लस माइनस माइनस, और ये 1 ओवर 3p वैसे ही आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3p, एलसीएम आ जाएगा 3p और इधर 1 ओवर f वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे p से p कैंसिल, 3 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, 3p से 3p कैंसिल, जो आएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, तो ये हमने इसका ले लिया एलसीएम। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 2 डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू 1 ओवर f, f कितना हमारे पास दिया गया है, f की वैल्यू में पुट कर देते हैं, f इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया 6। अब ये 3p इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां पे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3p उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3p बन जाएगा, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6।
यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 3p इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन आर 3, 3 टू आर 3, 2 आर 6, तो यानी कि p 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। और ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो या फोकल लेंथ हो, तीनों के लिए ऐसा यूनिट हम क्या यूज कर रहे हैं, तीनों के लिए सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेटा इसका आ चुका है आंसर, जल्दी से नोट कर ले, नोट कर ले। बाजार विकेंदियां छुरिया, माया इश्के दियां चोटा बुरिया, एक फुल मोती नार के जगा सोनिए। आपको एंटरटेनमेंट मिलती रहती है। आगे हम न्यूमेरिकल नंबर 12.11 स्टार्ट करते हैं। वाह भाई वाह, एक फुल मोती है लमार के जगह। 12.11 है, इंपॉर्टेंट है ये भी और कॉन्सेप्चुअल है, समझना है इसको गौर से। सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस, यानी के हवा में से लाइट आ रही है, कहां पे आके टकराती है, ये मैं इधर साइड पे बना देता हूं छोटा सा, ये कोई भी है, एयर में से लाइट आ रही है, नीचे पानी पड़ा है, ये सारा पानी पड़ा है, अब पानी के अंदर दाखिल हो रही है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनाती है वो कितना बनाती है 35। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको नोट कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना दिया है 35 डिग्री। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट करेगी यानी कि अपना एंगल चेंज कर लेगी, बजाय सीधी जाने के ये हल्का सा बेंड हो जाएगी, तो ये जो बनेगा यहां पर एंगल नॉर्मल के साथ, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एन, एन इज इक्वल टू 1.25 दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द, वो आप ये इतना काम कर ले उसके बाद फिर आगे करते हैं। अब इतने में उसने हमें एन दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है। तो यहां पे जो हम लॉ यूज करेंगे वो लॉ हम यूज करेंगे बेटा स्नेल लॉ, स्नेक नहीं कहना स्नेल लॉ, स्नेक ने दिया स्नेल लॉ, क्या कहता है एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। ये हमने स्नेल लॉ का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिलोंग करना है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये एन इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखे साइन आई की जगह पे कितना पुट करेंगे, आई कितना दिया हमारे पास 35, और एन हमारे पास कितना दिया है, एन हमारे पास दिया 1.25 इज इक्वल टू साइन आर। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45। कैलकुलेटर पे आप करके दे सकते हैं इज इक्वल टू साइन आर। हमने मालूम करना है देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिर्फ आर मालूम करना है, साइन तो साथ में हमें जरूरत नहीं, साइन को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, साइन को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये मान जाएगा 0.45। अब जब हम शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे कैलकुलेटर पर तो ये हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा, तो कैलकुलेटर पे इसको पुट करेंगे तो यहां पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27.13 या 2.23 आए, पॉइंट से पहले पहले आपका आंसर ठीक आ रहा जी, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से पहले पहले, पॉइंट के बाद अगर कोई फर्क आ भी जाता है तो उससे कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारे पास बेटा आ चुका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। अब दूसरा कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। वो कहता है आल, दोबारा आगे जो रह गया उसको रीड आउट करते हैं। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यहां पे लिख लो क्रिटिकल एंगल। लो जी, क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ सी जिसे कहते होते हैं, क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ सी, क्रिटिकल एंगल ये से। अब क्रिटिकल एंगल जब हमने फाइंड करना, ये एक पॉइंट गौर से समझा आपने, बस क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक शर्त लाजमी होती है, गौर से सुने, गौर से सुने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक शर्त लाजमी होती है कि हमारी जो लाइट है वो एयर में, पानी में से बाहर निकल रही हो, पानी से बाहर जा रही हो, पानी से निकल रही हो, पानी से हवा में जा रही हो, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर दाखिल हो गई। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाजमी शर्त थी। तब हमने फिर क्रिटिकल एंगल क्या पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा था, यहां पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहां पे ये पानी है नीचे सारा और ऊपर हवा है, ये डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, यहां पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो अब क्या कहा था, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये समझे क्रिटिकल एंगल। जब पानी से निकल रही हो लाइट, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस वक्त होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो होता है क्रिटिकल एंगल। तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 पे, यानी कि दोबारा गौर से समझो, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। और इसके लिए शर्त क्या जरूरी है, कि लाइट पानी में से हवा में आ रही हो, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन के लिए ये जरूरी है। इसमें तो रिफ्लेक्शन का अमल हो ही सकता, चाहे 90 का हो जाए एंगल, चाहे 95 का हो जाए, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, इसमें रिफ्लेक्शन का अमल नहीं हो सकता। इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा, क्रिटिकल एंगल क्या है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाए, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल। अब यहां पे इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, इसका फार्मूला भी हम यही स्नेल लॉ लगाएंगे जो हमने लगाया, यही स्नेल लॉ यूज करेंगे, लेकिन अब इसको उल्ट कर देंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर आर, जब लाइट हवा में से पानी में दाखिल हो रही थी, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते थे, एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो ये पॉइंट गौर से, अब इसका उल्ट हो गया, अब इसका उल्ट हो गया, अब लाइट पानी में से हवा में जा रही है, पानी में से हवा में जा रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का है। अब फार्मूला ये ही उल्टा, साइन आर ऊपर आ जाएगा और साइन आई नीचे चला जाएगा, ठीक है, समझ लगी इसकी। इसी फार्मूले को हमने उल्टा देना है। अब हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ क्रिटिकल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय एन, एन इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके डिवाइड, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन आर, आर मैंने आपको बताया कितना, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 का हो, आर की जगह पे कितना पुट करेंगे, आर की जगह पे 90 पुट करेंगे, और एन हमारे पास दिया गया है, एन इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एन हमारे पास दिया गया 1.25, साइन 90 की कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये हमारे पास इक्वल टू साइन आई आ रहा है, साइन आई, साइन आई या फिर इसको साइन सी भी कह सकते हैं, साइन आई या फिर साइन सी, ऊपर साइन आई और आई किसके इक्वल है, सी के, आई की जगह में हमने सी लिख दिया। अब हमने मालूम करना है सी, हमने क्या मालूम करना है, सी, साइन सी तो नहीं मालूम करना, तो साइन इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा इनवर्स, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.1 ओवर 1.25, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.80 या फिर 0.80 आ जाएगा।
तो जब हमने शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, इसका इनवर्स लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 53.13। ये हमारे पास बेटा आ चुका है दूसरा आंसर। तो जल्दी से नोट कर लें, साइड पे होता हूं, नोट करें। लाया लाया तेरा डोल ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लाया लाया तेरे नाल ढोल इक्को दिल से आवे बया मेरे को ना, लाया लाया तेरे नाल ढोल ना। लास्ट न्यूमेरिकल बेटा 12.12 न्यूमेरिकल। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। इंतहा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, पावर हमारे पास कितने दिया है 5 डायोप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस। कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट हमने मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है, पी हमने मालूम करना है। इस पी का मतलब पावर है, इस पी का मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। जो इमेज बन रही है वो इमेज जो ऑब्जेक्ट से 2 गुना है, यानी कि q इज इक्वल टू कितना हमारे पास दिया है, q इज इक्वल टू 2p। जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी बन रही है, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, 2p। रियल इमेज बन रही है तो रियल के साथ पॉजिटिव ही होता है, तो कोई टेंशन तो नहीं है हमें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पी मालूम करना है, पावर दी गई है, तो यहां पे अब फार्मूला तो सबके लिए सेम फार्मूला वही, 1/f = 1/p + 1/q। लेकिन बात देखिए, हमारे पास f नहीं दिया गया, उसकी जगह पे हमारे पास पावर दी गई है, तो इतना सा फर्क है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हमने ये भी, इसका भी हल है हमारे पास। हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर, फोकल लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर। एक ये फार्मूला हमने, दूसरा फार्मूला यूज करना है, पहले ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है, लेकिन ये सॉल्यूशन में लिखना है। ये एक फार्मूला, एक ये, पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये। हमने पढ़ा था फोकल लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर, ठीक है। ये पावर है, पावर पी ए आर लिख ले। अब देखें f इज इक्वल टू 1, और पावर हमारे पास कितनी दी है, 5 डायोप्टर। पावर कितनी दी है, 5 डायोप्टर, ठीक है। 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2, ठीक है। 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा। डायोप्टर है, इसका ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर। f हमारे पास आ गया, f इज इक्वल टू 0.2 मीटर। कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, इंतहा आसान है, ठीक है। बस आपने कंफ्यूजन नहीं होना। पावर हमारे पास दी गई है, इमेज भी दिया गया है, पी मालूम करना है। एफ नहीं था तो एफ के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया, एफ इक्वल टू 1/p, पी से मुराद पावर। अब देखो 1/f को डिवाइड किया 0.2 मीटर। हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए सारे चैप्टर के, हमने पी के साथ भी सेंटीमीटर लगाया, क्यू के साथ भी सेंटीमीटर लगाया, और एफ के साथ भी सेंटीमीटर लगाया, लेकिन यहां पे किस में आ गया है, मीटर में आ गया है। तो मीटर से इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बस ये एक पॉइंट है, मीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो f हमारे पास आ जाएगा, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। f इक्वल टू, ये कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हैं, f हमारे पास कितना आ गया, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हम ये फार्मूला लगाते हैं बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। फार्मूला क्या है, 1/f = 1/p + 1/q। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, f की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 20। f की जगह पे 20 = 1/p + 1/q। q की वैल्यू कितनी दी है, q हमारे पास दिया है 2p, q इज इक्वल टू कितना है, 2p। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2p
और पी से पी कैंसिल ऊपर वन प्लस, और ये टू पी से टू पी कैंसिल, और सॉरी इधर आ जाएगा ये पी से पी पी कैंसिल ऊपर टू चला जाएगा, और ये टू पी से टू पी कैंसिल ऊपर वन। ठीक है, एलसीएम की समय लागे पी से पी कैंसिल टू वन ला टू, ये टू पी से टू पी पूरा ही कैंसिल ऊपर वन बच गया। टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, थ्री डिवाइडेड बाई टू पी इज इक्वल टू वन ओवर ट्वेंटी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, टू पी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ट्वेंटी इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो ये टेन, टेन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इज इक्वल टू टेन थ्री आर थर्टी। बोलो बोलो भाई बोलो, थर्टी सेंटीमीटर आर। ये हमारा आ चुका है लास्ट आंसर, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इसी तरह कंप्लीट होते हैं। मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़। नोट कर लें।